हेलो गाइज, माय नेम इज़ नितेश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू कैन सी अभी हम लोग पूरा एनएलपी में खोए हुए हैं। हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कोर्स के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट एनएलपी के ऊपर आपको बना के दूंगा। आज के वीडियो में मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपके साथ NLP के प्रोजेक्ट आइडिया शेयर करूँगा। सो आप लोगों में से बहुत लोग मुझे पिंग करते हैं एंड वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम क्या एनएलपी में प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो मैंने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और मैंने आपके लिए 11 प्रोजेक्ट्स खोजे हैं एनएलपी के डोमेन में, जिनको अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर पाए, उनमें से एक दो भी अगर आप बना पाए, ट्रस्ट मी वो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे आपके इंटरव्यूअर के दिमाग में। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक दो पॉइंट्स में क्लियर कर दूँ। फर्स्ट, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ पे हैं। आप कुछ प्रोजेक्ट्स को डीप लर्निंग से बनाओगे, कुछ प्रोजेक्ट्स को आप मशीन लर्निंग से बनाओगे, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ डेटा एनालिसिस के ऊपर भी हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है या डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट है। सेकेंड, मैं आपको इस वीडियो में प्रोजेक्ट्स बताने के साथ साथ एक चीज़ और करूँगा कि मैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप स्टार्ट कर पाओ उस तरह के रिसोर्सेज भी शेयर करूंगा। मतलब डेटा सेट अगर मुझे मिल गया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और अगर कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह मुझे मिले तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, सो लास्टली अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं यहाँ पर मशीन लर्निंग रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। अगर आपको मशीन लर्निंग रिलेटेड कुछ भी सीखना है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ लेट्स नॉट वेट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द ईजीएस्ट प्रोजेक्ट्स। जो मुझे इन 11 प्रोजेक्ट्स में सबसे ईजी प्रोजेक्ट लग रहा है, मैं सबसे पहले आपको वो बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे थोड़े डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स पे मूव करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद प्रोजेक्ट नंबर वन। प्रोजेक्ट नंबर वन इज व्हाट्सएप चैट एनालाइजर। सो अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ दिन पहले इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था अपने चैनल पर। इस प्रोजेक्ट में आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हो तो आप उस ग्रुप का जो पूरा चैट हिस्ट्री है उसको आप विजुअलाइज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। इफ पॉसिबल उसके ऊपर कुछ मशीन लर्निंग फीचर्स भी ऐड कर सकते हो। क्या फायदा होगा? कुछ ऐसा फायदा है नहीं। इट्स जस्ट कि आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका चैट हिस्ट्री को आप बेटर समझ पाओगे। दैट्स द होल आइडिया। इनफैक्ट देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स जो ये फीचर बेचती भी हैं, लाइक people actually buy this kind of feature, तो it can be a product. So मैं आपको पहले एक बार मेरा बनाया हुआ प्रोजेक्ट दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसमें आप क्या क्या एड ऑन कर सकते हो, so that वो थोड़ा और अच्छा दिखे आपके रेज्यूमे में। So you can see guys, ये एक वेब एप्लीकेशन है जो मैंने बनाया है, और इसमें अगर आप अपना WhatsApp चैट का, किसी ग्रुप चैट का या फिर पर्सनल चैट का अगर आप चैट हिस्ट्री टेक्स्ट फॉर्मेट में अपलोड करते हो तो ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल एनालिसिस करके देता है, जैसे कि ये पूरे ग्रुप का एनालिसिस है। सो ये मेरे एक मेंटरशिप बैच का ग्रुप था जहाँ पे हमने बातचीत की थी काफ़ी दिन, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। तो टोटल मैसेजेस हैं 4000, 4500, कितने वर्ड्स थे, कितनी मीडिया फाइल शेयर हुई, कितने लिंक शेयर हुए, इसका एक हाई लेवल ओवरव्यू मिल गया। फिर मंथली टाइमलाइन ओवर द पीरियड ऑफ दिस बैच कितना बातचीत होता था, उसके बाद डेली टाइमलाइन, डेली कितना बातचीत होता था। एक्टिविटी मैप निकाल लिया मैंने कि मोस्ट बिजी डे क्या है, मोस्ट बिजी मंथ क्या है। सिमिलरली हीट मैप निकाल लिया कि किस टाइम पे जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। ठीक है, सबसे बिजी कौन यूजर्स हैं, उनका नाम और उनका चैट परसेंटेज, लाइक कितना % चैट उनकी तरफ से आया है। ठीक है, फिर वर्ड क्लाउड बना लिया, सबसे कॉमन वर्ड्स निकाल लिए, इमोजीज का एनालिसिस कर लिया। ठीक है, तो ये एक हाई लेवल ओवरव्यू मिल गया। फिर मैंने यहाँ पर एक और फीचर दिया था कि किसी भी ग्रुप मेंबर के ऊपर क्लिक करके आप उस ग्रुप मेंबर का सारा एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट ठीक है बिगिनर लेवल पे, बट द थिंग इज कि इसमें कुछ भी मशीन लर्निंग नहीं है। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है दिस इज जस्ट EDA एंड डेटा विजुअलाइजेशन। बट अगर आप अपने रेज्यूमे, अपने पोर्टफोलियो के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड इस प्रोजेक्ट में आप कुछ मशीन लर्निंग बेस्ड फीचर्स भी ऐड करो। ठीक है, जैसे कि वन फीचर कुड बी कि आपका ग्रुप का सेंटिमेंट कैसा है, मतलब हर यूजर का सेंटिमेंट कैसा है, बेस्ड ऑन टाइम सेंटिमेंट कैसा है, ठीक है। फिर आप ये भी निकाल सकते हो कि ऑन द होल किन टॉपिक्स के ऊपर बातचीत होती है यूजिंग टॉपिक मॉडलिंग, और इस तरीके के आपको थोड़े से और फीचर्स लाइक 2-3 और फीचर्स निकालने पड़ेंगे, और उसको जब आप इस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में ऐड करोगे ना, देन इट वुड बिकम अ नाइस प्रोजेक्ट, अ प्रोजेक्ट which you can show in your interviews, ठीक है। तो this is my first suggestion. The good part is कि ये वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप मेरे प्रोजेक्ट्स वाले प्लेलिस्ट पे जाओगे, वहां पे आपको WhatsApp चैट एनालाइजर बोल के एक वीडियो मिलेगा, जहां पे मैंने आपको इतना सब कुछ बनाना सिखाया है। अब इसके आगे के फीचर्स आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नंबर 2 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। द गुड पार्ट इज कि ये प्रोजेक्ट ईजी है, नॉट बिकॉज बनाने में ईजी है, बट इसलिए ईजी है क्योंकि इसके ऊपर आपको इनफ कंटेंट इंटरनेट पे एज इन यूट्यूब पे और गूगल पे मिल जाएगा, तो आप देख समझ के दूसरों के प्रोजेक्ट्स को ईजिली इसको बना सकते हो, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट का नाम है इमेज कैप्शन जनरेटर, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में आपको क्या करना होता है कि आपको एक इमेज मिलता है, और उस इमेज को देख करके आपका जो डीप लर्निंग मॉडल है वो उस इमेज को डिस्क्राइब करता है इन अ सेंटेंस, ठीक है। अब देखने में और सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, और है भी एक्चुअली, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये समझो कि इस प्रोजेक्ट की जरूरत कहाँ पर पड़ सकती है। इस प्रोजेक्ट की जरूरत एक जगह पे बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज इमेज सर्च। सो अगर आपने गूगल पे इमेजेस सर्च किए होंगे तो गूगल को बहुत मेहनत लगती है इमेजेस में सर्च करने में। अब अगर ये टेक्नोलॉजी गूगल अपने प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट कर ले तो इमेज सर्च बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इमेज के अंदर क्या है उसके बेसिस पे सर्च कर पाना बहुत डिफिकल्ट काम है, राइट। बट अगर आप इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो, एज इन उसके 1 लाइन डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट कर दो, तो फिर गूगल इमेज सर्च बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, बट मैं इसको ईजी कैटेगरी में इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज आपके पास इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल है। मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। ये किसी बंदे ने प्रोजेक्ट बना रखा है इमेज कैप्शन जनरेटर बोल के, और उसने रिजल्ट्स भी काइंड ऑफ दिखा रखे हैं। सो यू कैन सी रिजल्ट्स यहाँ पर है, बाकी यहाँ पे उसने सब कुछ बता रखा है कि किस तरीके से उसने पूरे मॉडल वगैरह को ट्रेन किया है। सो यू कैन सी ये इमेज है जहाँ पे एक बंदा सर्फिंग कर रहा है, और ये आउटपुट है हमारे न्यूरल नेटवर्क का। अ मैन इन वेट सूट राइडिंग अ सर्फ बोर्ड ऑन अ वेव इन द ओशन। सो काफी डिस्क्रिप्टिव है। सडनली से अब इस इमेज को सर्च करने के बदले आप इस टेक्स्ट को सर्च कर सकते हो, विच इज इजी। ये देखो, एक बंदा लैपटॉप के सामने है, डेस्कटॉप के सामने है, एंड इट सेज अ वुमन सिटिंग एट अ डेस्क विद अ कंप्यूटर मॉनिटर। अब ट्रेनिंग में पता नहीं पीछे से बालों की वजह से शायद बंदी लग रहा है, बट जो भी है दिस इज द आउटपुट, ठीक है। दिस इमेज, अ मैन इन अ सूट एंड टाई स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ टेबल, ठीक है। एंड दिस इज द नेक्स्ट वन, A zebra and a giraffe are standing in a zoo, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये आप बना सकते हो। प्रोजेक्ट नंबर 3 इज टॉपिक मॉडलिंग। टॉपिक मॉडलिंग के बारे में मैंने आपको हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दे दिया है। टॉपिक मॉडलिंग में आप क्या करते हो कि आपके पास अगर एक पीस ऑफ टेक्स्ट है, तो आप उसके अंदर जो भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं आप उनको निकालते हो, ठीक है। इसमें आप एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करते हो जिसको हम LDA बोलते हैं, और फ्यूचर में हम इसके बारे में पढ़ाई भी करेंगे। बट द प्रोजेक्ट इज दिस कि आप टॉपिक मॉडलिंग करो ऑन रिव्यूज, ठीक है। क्या फायदा होगा, लेट मी शो यू। सो यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन आई हैव अ पेज, Amazon पेज ऑफ दिस स्मार्टफोन Samsung Galaxy M21। रैंडमली मैंने कोई भी फोन ओपन कर लिया। अब अगर मैं आपको नीचे लेके चलूं रिव्यू सेक्शन में, तो वहां पे आपको एक चीज दिखाई देगी जो शायद आपने पहले भी नोटिस की होगी। ये रहा हमारा रिव्यू सेक्शन। अब Amazon क्या कर रहा है कि ये फीचर दे रहा है आपको, रीड रिव्यूज दैट मेंशन दीज टैग्स। तो इन अ वे क्या हुआ कि आप सारे के सारे रिव्यूज को एनालाइज करके उनमें से एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स निकाल रहे हो। जैसे कि एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है बैटरी लाइफ। सो अगर आप बैटरी लाइफ पे क्लिक करोगे तो वो सारे रिव्यूज ओपन हो जाएंगे जहां पर बैटरी लाइफ वाले टॉपिक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं हीटिंग इशू पे क्लिक करूं तो वो सारे रिव्यूज खुल जाएंगे जहां पर हीटिंग इशू के बारे में बात हो रही है। तो ये एक बहुत ही फायदेमंद फीचर है इस तरह की वेबसाइट्स के लिए, क्योंकि जो कस्टमर हैं, क्योंकि आज के डेट में अगर कोई भी आप फेमस प्रोडक्ट पकड़ो ई कॉमर्स वेबसाइट पे तो उनके शायद लाखों रिव्यूज होते हैं. इट इज नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू ईच वन ऑफ देम. सो कस्टमर को बहुत ईजी हो जाता है कि सीधे वो एक टॉपिक सेलेक्ट करता है और उस टॉपिक पे बेस्ड जितने भी रिव्यूज हैं वो उसके सामने आ जाते हैं. ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है और बहुत रेलेवेंट है आज के सिनारियो में जहां पे इंटरनेट पे प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं. ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया Amazon के रिव्यूज. आई वुड रिकमेंड यू टू डू दिस प्रोजेक्ट ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा जिसके ऊपर ये फीचर्स अभी अवेलेबल नहीं हो. जैसे यू कैन गो फॉर कार रिव्यूज. ठीक है, तो कार रिव्यूज में आप कार के अलग अलग फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और यू कैन बिल्ड अ वेबसाइट जहां पर अगर बहुत सारे रिव्यूज आपके पास हो तो यू कैन इम्प्लीमेंट दिस फीचर. ऑल्दो ये B2B फीचर है, एज इन आप कस्टमर के बदले किसी कंपनी को ये प्रोडक्ट बना के बेच सकते हो, कोई कस्टमर डायरेक्टली इसको खरीदेगा नहीं. तो इट्स अ B2B फीचर, बट अगेन इसको एंड टू एंड इम्प्लीमेंट करके अगर आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर पाओ, आई थिंक इट वुड बी गुड. ठीक है, सो दैट्स इट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट नंबर 4 है स्पीच इमोशन डिटेक्टर. ये एक लौता प्रोजेक्ट है इस पूरे लिस्ट में जहां पे आप स्पीच के साथ काम करोगे. बाकी के सारे प्रोजेक्ट्स टेक्सचुअल डेटा के ऊपर हैं, तो दैट्स वाई ये थोड़ा स्पेशल प्रोजेक्ट है एंड इट इज क्वाइट यूजफुल. अगर आप सोच के देखो तो हम क्या बनाने वाले हैं कि अगर सामने से कोई कुछ बोल रहा है तो हम ये बता सकते हैं कि उसका टोन कैसा है, उसका इमोशन क्या है, इज ही एंग्री और हैप्पी और डिस्गस्टेड, क्या है उसका करेंट इमोशनल स्टेट. ठीक है, अब ये बहुत काम की फीचर हो सकती है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, स्पेशली कॉल सेंटर्स वगैरह में, कस्टमर केयर में ये फीचर बहुत काम का हो सकता है. क्योंकि कई बार क्या होता है कि कस्टमर जब कॉल करता है तो एक चैटबॉट या ऑटोमेटेड वॉइस उसको ग्रीट करता है और उसको नेविगेट करवाता है थ्रू अ मेन्यू. अगर वहाँ पे आप डिटेक्ट कर पाओ कि सामने वाला बंदा गुस्से में है या फिर रश में है तो आप झट से उसको एक ह्यूमन के साथ कनेक्ट करवा सकते हो सो दैट वो गुस्सा ना करे या फिर उसका जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब ना रहे. ठीक है, बाकी इसकी और भी यूज़ केसेस आप सोच सकते हो, बट या दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट जहाँ पर आप स्पीच से इमोशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. ठीक है, अब मैंने बहुत सर्च किया इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ऑल्दो मैंने कभी बनाया नहीं है ये प्रोजेक्ट, बट ज़्यादा रिसोर्सेज मुझे मिले नहीं. मतलब ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा काइंड ऑफ आप बोल सकते हो नया है और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इस पॉइंट पे अवेलेबल नहीं है, बट मुझे एक अच्छा पेपर मिला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डीप ईमो बोल के. इसमें बस 4 पेजेस हैं, लेकिन इन 4 पेजेस में इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एक पूरा फ्लो समझाया है कि इस प्रोजेक्ट को आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, किस तरह के एल्गोरिदम्स को यूज़ कर सकते हो और किस तरह की परेशानियाँ आपको आ सकती हैं. ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार आप ये प्रोजेक्ट ट्राई करो, क्योंकि स्पीच रिलेटेड डेटा के साथ काम करने से काइंड ऑफ आपके रेज्यूमे में एक एडिशनल चीज़ आ जाएगी. ठीक है, और इवेंचुअली इस चीज़ को आप एलेक्सा या सीरी टाइप की चीज़ों में भी ऐड कर सकते हो. स्पेशली एलेक्सा स्किल्स बोल के एक चीज़ होती है जहाँ पे आप खुद से एलेक्सा के स्किल्स बना सकते हो, तो वहाँ पे भी आप इस फीचर को ऐड कर सकते हो. इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट आप थोड़ा इजीली कर पाओ तो मैंने आपके लिए ये डेटा सेट खोजा है स्पीच इमोशन रिकॉग्निशन बोल के Kaggle के ऊपर, और इसमें काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के इमोशंस रिलेटेड डेटा है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो. इनफैक्ट अगर आप कोड सेक्शन में जाओ तो यहाँ पे आपको कुछ नोटबुक्स भी मिल जाएंगे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है. तो जैसे कि ये है अ बेसिक गाइड टू स्पीच रिकॉग्निशन, इट्स अ गुड नोटबुक, 21 अपलोड्स मिले. तो इसको थोड़ा सा पढ़ के आपको और आइडिया लगेगा कि इस प्रोजेक्ट को कैसे अप्रोच करना है. ऑल्सो ये एक गिटहब रेपो मुझे मिला है जहाँ पर इस बंदे ने ये सेम चीज़ ट्राई आउट कर रखी है और इसने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे उसने इस प्रोजेक्ट को बनाया है. तो ये सारे फीचर्स को आप देख करके थोड़ा सा गाइड ले सकते हो कि कैसे करना है इस प्रोजेक्ट को. ठीक है, ये सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. प्रोजेक्ट नंबर 5 इज टेक्स्ट समराइजेशन. टेक्स्ट समराइजेशन के बारे में मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बात की थी, जहां पर आप क्या करते हो कि आप एक मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल बनाते हो जिसका काम होता है एक बड़े से टेक्स्ट के अंदर का समरी एक्सट्रैक्ट करना, उसका कॉन्टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना. ठीक है, अब आप इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा और बढ़िया फॉर्म दे सकते हो, इसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने आपको शायद बताया भी था, आप InShorts जैसा एक एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, लेट मी शो यू। सो आई होप आपने कभी ना कभी InShorts ऐप यूज किया होगा या शायद आपने सुना होगा। InShorts क्या करता है कि वो 60 वर्ड्स के अंदर में आपको न्यूज आर्टिकल्स लाके देता है। सो आजकल जिस तरह की बिजी लाइफ में हम लोग जी रहे हैं और इतने सारे ऐप्स हैं कि आवर फोन इज क्राउडेड, ये ऐप बहुत अच्छा निकल पड़ा क्योंकि इसका आइडिया बहुत सिंपल था कि 60 वर्ड्स में आपको आज की न्यूज प्रोवाइड कर रहा है। तो आप ये सेम प्रोडक्ट एज इट इज बना के दिखा सकते हो अपने इंटरव्यूअर को। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट समराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, न्यूज आर्टिकल्स का। तो मैंने एक Kaggle पे डेटा सेट खोजा है न्यूज समरी बोल के। यहाँ पर अराउंड यहाँ पे लिखा हुआ है शायद, इफ आई एम करेक्ट, अच्छा इन्होंने मेंशन नहीं किया है बट ये एग्जैक्ट, हाँ ये रहा। द डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ 4500 एग्जाम्पल्स एंड कंटेन्स ऑथर नेम, हेडलाइंस, URL, शॉर्ट टेक्स्ट, कंप्लीट आर्टिकल। आई गैदर्ड द समराइज न्यूज फ्रॉम InShorts और फिर एक्चुअल आर्टिकल हिंदू, इंडियन टाइम्स और गार्जियन से। सो इसने न्यूज़पेपर से उठाया है और उसका समरी वर्जन जो है वो उसने InShorts से उठाया है और इसने एक 4500 न्यूज आर्टिकल्स का डेटा सेट बनाया है। तो दिस इज क्वाइट रेलेवेंट, ठीक है, आपको इंडिया का न्यूज मिल रहा है। अब आपको बस क्या करना है कि इस मॉडल को ट्रेन करना है, कैसे करना है ये सब सीखना पड़ेगा आपको। अगेन आपको हेल्प करने के लिए अगर आप कोड सेक्शन में जाओ तो यहाँ पे आपको काफी सारे नोटबुक्स मिलेंगे जिन लोगों ने ये ट्राई आउट कर रखा है। जैसे ये पहला नोटबुक मैंने देखा था, ये सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल यूज करके बहुत सही एक नोटबुक बना हुआ है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। अब एक बार जब आपने अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया, अब आपको क्या करना है कि आपको एक न्यूज API चाहिए जहां पे आज की न्यूज आपको मिल जाए। फिर आप उस नए इनकमिंग न्यूज के ऊपर अपने मॉडल को रन करोगे, समरी जनरेट करोगे और उसको आप एक एंड्रॉइड ऐप में डिस्प्ले करोगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फ्लो अगर आप कंप्लीट कर पाओ तो आपके पास एक InShorts जैसा एप्लीकेशन हो सकता है। भले ही आप इसको एंड्रॉइड ऐप में कन्वर्ट करो या फिर वेबसाइट में कन्वर्ट करो, उतना फर्क नहीं पड़ता। द आइडिया इज कि आप ये प्रोजेक्ट बना पा रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है एंड आई वुड रिकमेंड कि आप इसको एक बार ट्राई आउट करो। इनफैक्ट एक चीज और मुझे मिली इंटरनेट पे, which is this paper. Let me show you. यहाँ पे इस पेपर का टाइटल है एन इफेक्टिव अप्रोच फॉर न्यूज आर्टिकल समराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़िया पहले लैंडस्केप समझाया है कि क्या क्या अप्रोचेस अभी तक यूज किए गए हैं और उसके बाद इन्होंने अपना अप्रोच दिया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन द सेंस, मैथमेटिक्स वगैरह है, बट अगर आप एक दो बार इसको पढ़ो तो आपको हाई लेवल ओवरव्यू जो चाहिए होता है टेक्स्ट समराइजेशन करने के लिए वो आपको इस पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। अगेन इस पेपर का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सो दैट आप इसको आराम से देख पाओ, ठीक है। सो दिस इज वन नाइस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नंबर 6 इज अ रेज्यूमे पार्सिंग NLP एप्लीकेशन। सो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जो जॉब हंटिंग वेबसाइट्स हैं जैसे कि naukri.com या फिर monster.com या फिर अगर आप किसी कंपनी के करियर सेक्शन में भी जाते हो तो वहां पे वो आपको बोलते हैं कि अपना रेज्यूमे अपलोड करो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आपका रेज्यूमे अपलोड हो जाता है उसके बाद क्या करना पड़ता है उन HRs को। वो आपके रेज्यूमे को डाउनलोड करते हैं और फिर एक एक करके स्टडी करते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो मैन्युअली उसका इंफॉर्मेशन निकाल करके अपने डेटाबेस में ऐड करते हैं। व्हाट इफ हम एक एप्लीकेशन बनाएं जो ऑटोमेटिकली रेज्यूमे के अंदर के इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करे और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको दे दे, तो फिर वो जो HRs हैं उनका काम बहुत इजी हो जाएगा। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी गुड बिजनेस आइडिया और इस तरह के आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं जो रेज्यूमे पार्सिंग का काम करती हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सो गाइज यू कैन सी, यहाँ पर ये एक स्क्रीनशॉट है काइंड ऑफ जहां पर आपको दिख सकता है कि रेज्यूमे पार्सिंग कैसे काम कर रहा है। सो लेफ्ट साइड में, आई एम सॉरी, राइट साइड में आपके पास एक ओरिजिनल रेज्यूमे है, एक्चुअल रेज्यूमे है और लेफ्ट साइड में यू कैन सी कि उसका इंफॉर्मेशन हमने जेसॉन फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट कर रखा है। सो यू कैन सी यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस जॉब, ये जो भी जॉब है ABC PT लिमिटेड में, इसने स्टार्ट किया था जनवरी 2019 में और वो अभी तक चल रहा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्ट मंथ में जनवरी है, स्टार्ट ईयर में 2019 है, एंड मंथ प्रेजेंट है, एंड ईयर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर देख सकते हो कि जो भी डिस्क्रिप्शन है वो उठा के रख दिया है, रेलेवेंट स्किल्स यहाँ पे उठा के रख दिए। अब ये आप किसी भी फॉर्मेट के रेज्यूमे के साथ कर सकते हो, ठीक है। ये जो टेक्निक है इसको बोला जाता है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, ठीक है। इसके बारे में मैंने थोड़ी बातचीत की थी आपके साथ, बट इस टेक्निक को यूज करके आप क्या करते हो, आप इंफॉर्मेशन रिट्रीवल करते हो, आप एक गिवन टेक्स्ट में से काम की चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है। अब आप इसको एंड पॉइंट एज एन एपीआई में कन्वर्ट कर सकते हो सो दैट बाकी लोग इसको यूज कर पाए। सो दिस कैन बी ए गुड प्रोजेक्ट। अब इसको अप्रोच करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेटा सेट। सो मैंने आपके लिए एक डेटा सेट खोजा है, ये कैगल पे अगेन मुझे मिल गया, रेज्यूमे एंटिटीज फॉर एनईआर बोल के एक डेटा सेट है। और द गुड पार्ट इज कि ये इंडियन लोगों के रेज्यूमेस के ऊपर बेस्ड है, तो आप थोड़ा और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये एप्लीकेशन बना सकते हो। सो यू कैन सी ये जो डेटा सेट है इसमें रेज्यूमेज हैं और फिर उसकी जो एंटिटीज हैं उनको हाईलाइट किया कर रखा है, ठीक है। सो दैट आप इसके ऊपर अपना मशीन लर्निंग मॉडल चला पाओ, ठीक है। अब मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं है कि हमारे पास टोटल आई गेस 220 रेज्यूमेज हैं, एक बार आप चेक कर लेना, बट या दिस इज द डेटा सेट जिसको स्टार्ट करके आप NER एज ए नेम एंटिटी रिकॉग्निशन कर सकते हो। द गुड पार्ट इज कि जो मैं अपना NLP प्लेलिस्ट बना रहा हूँ उसमें एक पूरे वीडियो में मैं आपको NER एज ए नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन करके दिखाऊंगा, तो उस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्रोजेक्ट को अप्रोच कर सकते हो और इसको एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अगेन दिस कैन बी अ गुड प्रोजेक्ट टू पुट इन योर पोर्टफोलियो। सो जो प्रोजेक्ट नंबर 7 है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं खुद कुछ दिनों से काम कर रहा हूँ। सो इन अ वे आई कंसेप्चुलाइज दिस आइडिया, अब किसी और के दिमाग में भी आ सकता है बट मुझे लगता है ओरिजिनली मैंने सोचा। प्रोजेक्ट ये है कि आप एक क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम बनाओ फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। सो एक बार ध्यान से सुनना, मेरा आइडिया क्या है, मैं इसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ अभी, हो सकता है आपकी साइड से कुछ इनपुट मिल जाए। सो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ क्रोम प्लगइन जो आप क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हो और वो ऑटोमेटिकली तब एक्टिवेट होगा जब आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक Amazon या Flipkart के ऊपर किसी प्रोडक्ट को जब देख रहे हो, ठीक है। अब उस क्वेश्चन आंसरिंग प्लगइन का काम क्या होगा कि आप उस पर जैसे क्लिक करोगे तो एक फॉर्म आ जाएगा जहां पे आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। सो लेट्स से अभी आप एक प्रोडक्ट देख रहे हो, आई विल शो यू विथ एन एग्जांपल। सो लेट्स से आप अभी ये प्रोडक्ट देख रहे हो, Samsung Galaxy S20 ये प्रोडक्ट देख रहे हो। मेरा प्लगइन यहाँ पे नीचे कहीं होगा, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे एक फॉर्म आ जाएगा और अब आप इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो वहां पे टाइप करो। लेट्स से इस स्मार्टफोन में कौन सा प्रोसेसर है, अब मुझे पूरा का पूरा ये पेज स्क्रॉल करके नहीं खोजना, आई विल जस्ट टाइप द क्वेश्चन कि कहाँ पर प्रोसेसर क्या है स्मार्टफोन में, और वो झट से वो क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम क्या करे, इस पेज के टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करे, उसमें से उस जगह तक पहुंचे जहां पर ये इंफॉर्मेशन है और आपको आंसर निकाल के दे दे। इट्स बेसिकली अ सेल्समैन, जैसे दुकानों में सेल्समैन होता है ना, आपको प्रोडक्ट दिखाता है, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो सेल्समैन से, सेल्समैन को उसका आंसर पता होता है और वो आपको झट से आंसर बता देता है। तो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ सेल्समैन फॉर ई कॉमर्स वेब पेजेस। अब ऑब्वियसली अभी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है बट ये आप बना तो सकते हो, इतना मुझे पता है। क्यों मुझे पता है, क्योंकि मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ एक क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम का जो बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो ये एक डेमो वेबसाइट है जो BERT बोल के जो एक डीप लर्निंग मॉडल है, ट्रांसफॉर्मर है, उस पे ट्रेंड है। और इसकी खासियत क्या है कि ये स्टैनफोर्ड क्वेश्चन आंसरिंग डेटा सेट के ऊपर ट्रेंड है। और भी 2 डेटा सेट्स हैं बट मैं SQuAD वाला आपको दिखा रहा हूँ, स्टैनफोर्ड क्वेश्चन आंसरिंग डेटा सेट। इसकी खासियत क्या है कि आप यहाँ पे कुछ भी एक टेक्स्ट ऐड करो, आप फिर उसमें से क्वेश्चन पूछो, ये आपको बता देगा। मैं आपको इसका एक डेमो दिखाता हूँ। लेट्स से मैं जा रहा हूँ 3 Idiots मूवी के ऊपर, और 3 Idiots मूवी का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आई एम अज्यूमिंग सभी को पता है उसकी कहानी। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार कॉपी कर रहा हूँ इस पूरे के पूरे प्लॉट को, ठीक है, और मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये पूरा हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंटर ओन एग्जाम्पल। और अब मैं कुछ भी क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पे मैं कुछ भी अब क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, लाइक द क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द रियल नेम ऑफ रैंचो, रैंचो का रियल नाम क्या है, ठीक है। अब अगर मैं प्रेडिक्ट पे क्लिक करूं तो वो इस टेक्स्ट के अंदर से ये क्वेश्चन का आंसर खोज करके आपको देगा। लेट्स सी एंड यू कैन सी द आंसर इज रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़, ठीक है। वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन, हु वाज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर क्वेश्चन मार्क प्रेडिक्ट, एंड यू कैन सी द आंसर इज फरहान कुरैशी, ठीक है। वी कैन आस्क वन मोर क्वेश्चन, हु इज द सिस्टर ऑफ, उस बंदी का नाम क्या था, पिया, पिया क्वेश्चन मार्क, और सर्च करते हैं and you can see the answer is Mona, which is correct, मुझे याद है। So this is brilliant, like अगर आप BERT जैसा कोई मॉडल को ट्रेन करो और e-commerce डेटा के ऊपर, और उसके बाद अगर आप e-commerce के लिए प्लगइन बनाओ तो दिस कुड बी अ गुड प्रोजेक्ट, ठीक है। इनफैक्ट आप इसके ऊपर एक स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हो अगर आप चाहो तो, अगर आपके पास एक बढ़िया सेल्स टीम हो। बट या दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट, मैं खुद इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो और आपके पास अगर कुछ फीडबैक हो तो प्लीज कनेक्ट, ठीक है। सो दिस इज द प्रोजेक्ट। सो जो अगले दो प्रोजेक्ट्स हैं वो चैटबॉट बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट नंबर 8 और 9। लेट मी टेल यू प्रोजेक्ट नंबर 8 क्या है। सो पिछले 8 सालों में आई हैव डन मल्टीपल स्टार्टअप्स, उनमें से एक स्टार्टअप में मैं एक जॉब पोर्टल रन कर रहा था फॉर लाइक 1 ईयर, और उसमें मेरा काम था जॉब्स लाना और कैंडिडेट्स को उन जॉब्स तक पहुंचाना। बट उस प्रोसेस में मुझे रेज्यूमेस चाहिए होते थे कैंडिडेट से, तो कई बार रेज्यूमे होते थे कैंडिडेट्स के पास, कई बार नहीं होते थे। सो मैंने एक फीचर बिल्ड किया था अपनी वेबसाइट में जहां पर आप आ करके रेज्यूमे बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको अलग अलग फॉर्मेट में रेज्यूमे डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दूंगा, अलग अलग टेम्पलेट्स में। फिर मैंने बाद में नोटिस किया कि बहुत लोग स्टार्ट तो करते हैं रेज्यूमे बनाना बट कंप्लीट नहीं करते हैं। तो अपेरेंटली मेरा जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था इंफॉर्मेशन लेने का, वो बहुत ही काइंड ऑफ बड़ा था, और काइंड ऑफ इतना ज़्यादा बड़ा था या टफ बोल सकते हो आप कि कैंडिडेट थोड़ा सा इंटिमिडेटेड फील करता था या फिर बोर हो जाता था पूरे फ्लो से। तो फिर मुझे ये आइडिया आया कि व्हाट इफ आई बिल्ड अ रेज्यूमे बिल्डर चैटबॉट। मतलब वो एक चैटबॉट होगा बट वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लाइक आपका एजुकेशन क्या है, आप एजुकेशन में बताओगे कि मैं इस कॉलेज का पास आउट हूँ, तो वो पूछेगा कि आपने कौन से ब्रांच से इंजीनियरिंग किया, आप वो बताओगे। फिर आपसे पूछेगा आपका CGPA कितना था। सो इट वुड बी लाइक आप किसी से बात कर रहे हो, वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है और जो भी आप उसको बता रहे हो वो उसको नोट डाउन करते जा रहा है, और फिर जैसे ही ये पूरा कॉन्वर्सेशन कंप्लीट होगा वो आपको आपका रेज्यूमे बना के दे देगा, ठीक है। तो ये एक आइडिया है मेरे दिमाग में। मैंने ट्राई भी किया था इसको बनाने का बट मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया। तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक रेज्यूमे बिल्डर चैटबॉट, जहां पे एक चैटबॉट आपके यूजर से सारे के सारे इंफॉर्मेशन को ले करके मल्टीपल टेम्पलेट्स में आपका रेज्यूमे जनरेट करके देगा, ठीक है। अब अगर आप इसको स्क्रैच से बनाने जाओगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। तो आई वुड रिकमेंड यू टू यूज सम चैटबॉट बिल्डिंग फ्रेमवर्क लाइक DialogFlow या फिर रासा, ठीक है। मैंने DialogFlow में ट्राई किया था बिकॉज वहां पे बहुत इजी हो जाता है, तो एक बार आप ट्राई करके देखना। द गुड पार्ट इज कि मेरे चैनल पर अगर आप फिर से प्रोजेक्ट्स वाले प्लेलिस्ट पे जाओ तो वहां पे मैंने एक चैटबॉट बनाना सिखाया है यूजिंग DialogFlow। अगर आप वो वीडियो एंड टू एंड देखोगे तो आपको थोड़े आइडियाज मिल जाएंगे कि इस प्रोजेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट नंबर 9 एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इज अगेन अ चैटबॉट बेस्ड प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट में द आइडिया इज कि आप एक क्रिकेट बेस्ड चैटबॉट बनाओ जहां पर जाकर के आप उस चैटबॉट से कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। लेट्स से आप पूछ सकते हो कि IPL में सबसे ज्यादा रन किस बैट्समैन ने बनाए हैं, और वो आपको झट से वो कैलकुलेट करके दे दे। सबसे ज्यादा छक्के किस बैट्समैन ने मारे, वो आपको झट से एक बैट्समैन का नाम बता दे। सबसे ज्यादा विकेट्स किस बॉलर ने लिए हैं, वो आपको झट से एक प्लेयर का नाम बता दे। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने नोटिस किया कि CricInfo जो कि एक फेमस वेबसाइट है क्रिकेट रिलेटेड चीज़ों के लिए, उन्होंने ये फीचर इम्प्लीमेंट किया है अपने वेबसाइट में, और उन्होंने बहुत प्रमोट भी किया है इसको। इस वेबसाइट का, इस फीचर का नाम है आस्क CricInfo। मैं आपको उसका एक डेमो दिखाता हूँ सो दैट आपको थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। सो दिस इज द वेबसाइट यहाँ पे आप एक्चुअली सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस टाइप के क्रिकेट फॉर्मेट से क्वेश्चंस पूछने हैं। लेट्स से मैंने आईपीएल सेलेक्ट कर रखा है और मैं यहाँ पे फिर पूछूंगा हु इज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर। अब ये बिहाइंड द सीन्स क्या कर रहा है, इस क्वेरी को ब्रेक डाउन कर रहा है और फिर एक एनालिसिस रन कर रहा है। एंड एडम गिलक्रिस्ट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर, और बहुत लोग जो लोग क्रिकेट देखते होंगे वो बोल रहे होंगे ये क्या है। तो उसका रीजन ये है कि एडम गिलक्रिस्ट ने अपने आईपीएल करियर में सिर्फ एक बॉल डाली थी और उस बॉल पे उसने विकेट ले लिया था, तो दैट इज वाई इसका इकोनॉमी जीरो है। बट उसके आगे अगर आप जाओ तो यू कैन गेट मोर रिजल्ट्स, ठीक है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो इन लास्ट 5 overs, अगेन एडम गिलक्रिस्ट, बिकॉज लास्ट में उसने लिया होगा। वी कैन राइट Which batsman has hit most number of 4s? And you can see Shekhar Dhawan is 654, Virat Kohli and etc. ठीक है, तो that is how this thing works। अब ये थोड़ा simple आपको लग रहा होगा, but अगर आप इसको बनाने जाओगे ना तो you would realize कि बहुत अलग अलग type की queries हो सकती हैं। तो थोड़ा आपको बैठ करके इस प्रोजेक्ट को बनाना पड़ेगा, बट दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट। मतलब क्रिकेट लवर हो अगर आप, या फिर स्पोर्ट्स एनालिटिक्स में आपको मजा आता है, तो दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट टू बिल्ड फॉर योर पोर्टफोलियो। अगर आप इस तरह की कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी मिल सकता है बाकी कैंडिडेट्स के ऊपर। प्रोजेक्ट नंबर 10 इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। पर्सनली इट इज अ प्रोजेक्ट जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, बट जैसे ही मैंने इसके बारे में सोचा, देखा इसको, आई वॉज इंट्रीग्ड। मेरे को लगा कि मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट है ऑटोमेटेड MCQ क्वेश्चन जनरेटर। मैं आपको एक बार डिस्क्राइब करता हूँ। द आइडिया इज दिस कि एक वेबसाइट होगी जो किसी भी टीचर के पास होगी, या कोई टीचर उसको यूज कर सकता है। लेट्स से मैं मशीन लर्निंग पढ़ाता हूँ और मेरे पास ये वेबसाइट है, मुझे बच्चों का टेस्ट लेना है अब, बट मुझे क्वेश्चंस बनाने में थोड़े सा सुस्ती आ रही है। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक टेक्स्ट अपलोड करूँगा, लेट्स से लीनियर रिग्रेशन के ऊपर। और जैसे ही इस टेक्स्ट को मैं अपलोड करूँगा लीनियर रिग्रेशन के ऊपर, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये वेबसाइट MCQs जनरेट कर देगा उस टॉपिक के ऊपर, और वो मैं स्टूडेंट्स को दे के उनका टेस्ट ले सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा और कामचोरी करूं तो व्हाट आई कैन डू इज मैं अपने लेक्चर को वीडियो से उसका ऑडियो और ऑडियो से स्पीच, स्पीच से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करूं और उस टेक्स्ट से MCQs जनरेट कर दूं, तो ऑटोमेटिकली उस लेक्चर के MCQs जनरेट हो जाएंगे। द बैड पार्ट इज कि ये प्रोजेक्ट कैसे करना है, इसके ऊपर इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे तब पता चला जब मैं गूगल पे पेपर्स देख रहा था AI रिलेटेड, और वहाँ पे मुझे ये पेपर मिला। लेट मी शो यू। सो दिस इज द पेपर, एन ऑटोमेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जनरेटर यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स। अब ये पेपर एक्चुअली अच्छा है, थोड़ा टेक्निकल है, और इन्होंने पूरा फ्लो के साथ समझाने का ट्राई किया है कि किस तरीके से इन्होंने ये पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट किया जहाँ पर टेक्स्ट से वो लोग ऑटोमेटिकली MCQs जनरेट कर पा रहे हैं। बट ऑनेस्टली अभी तक मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर पाया हूँ इनटू अ प्रोजेक्ट, बट ये प्रोजेक्ट मेरे प्रायोरिटी बकेट लिस्ट में टॉप पर है। मुझे ये बहुत ही इंट्रीगिंग लग रहा है, तो मुझे ये बनाना है। होपफुली मैं एक आध महीने में बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। सी, दिस इज़ द UI। यहाँ पर टीचर अपना अपलोड करेगा टेक्स्ट और ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट से क्वेश्चन जनरेट हो जा रहे हैं, यू कैन सी, ठीक है। तो कैसे काम कर रहा है ये सब कुछ, अभी थोड़ा मेरे को डिटेल्स क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने अभी इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया, बट होपफुली फ्यूचर में मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊंगा, ठीक है। सो यू कैन ट्राई आउट दिस प्रोजेक्ट एज वेल। इस पेपर का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब बस बचा एक लास्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नंबर 11, सर्च इन वीडियो। ध्यान से सुनना, मैंने वीडियो सर्च नहीं बोला, मैंने बोला सर्च इन वीडियो। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था। वो IIT धनबाद में एक हैकाथॉन पार्टिसिपेट कर रहा था, वहाँ पर उन लोगों को ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया, या शायद पता नहीं उन्होंने खुद से चूज़ किया था, आई डोंट नो। बट दिस इज़ द प्रोजेक्ट कि आपको एक ऐसा प्लगइन बनाना है जो किसी भी Udemy टाइप की वेबसाइट में अप्लाई हो सके। आपका ये प्लगइन क्या करेगा कि लेट्स से एक बहुत बड़ा 1 घंटे का लेक्चर है जो कि बहुत टेक्निकल है, और आप एक स्टूडेंट हो जिसको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से मतलब है, यू डोंट वांट टू वॉच द एंटायर लेक्चर, यू वांट अ पर्टिकुलर टॉपिक, सो ये प्लगइन क्या करेगा कि आप जैसे उस प्लगइन पे क्लिक करोगे तो वो आपको एक पॉपअप देगा जहाँ पे आप टाइप कर सकते हो उस टॉपिक का नाम। लेट्स से आई हैव टू टाइप अबाउट एनएलपी, तो जैसे मैं एनएलपी लिख के एंटर मारूंगा, ऑटोमेटिकली ये प्लगइन क्या करेगा, आपकी वीडियो को उस जगह पे पहुंचा देगा जहां पे वो टीचर एनएलपी के बारे में पढ़ा रहा है। ठीक है, अब ये थोड़ा इजी अगर आपको साउंड कर रहा है तो गलत हो आप, क्योंकि ये उतना इजी है नहीं। जब आप इसको बनाने बैठोगे तो यू वुड सी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट फिर भी मैं आपको एक छोटा सा अप्रोच बता सकता हूँ। आपको सबसे पहले ये करना होगा कि आपका जो वीडियो है उससे आपको सबसे पहले ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके उसका स्पीच से टेक्स्ट कन्वर्जन करना पड़ेगा, सो दैट आपके पास टेक्सचुअल डेटा हो। फिर उस टेक्सचुअल डेटा को आप डिवाइड कर सकते हो टाइम फ्रेम्स के बेसिस पे। लेट्स से 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने अलग अलग डेटा बना लिया, और फिर आपको हर डेटा के ऊपर टॉपिक मॉडलिंग करके टॉपिक्स एक्सट्रैक्ट करने होंगे कि उस 5 मिनट के विंडो में वो टीचर किस बारे में बात कर रहा है। फिर आपको क्लस्टरिंग वगैरह करना पड़ सकता है, और फिर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा उस वीडियो प्लेयर को उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प तक पहुंचाने के लिए। बट एनीवेज, जो भी है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। ये जो स्टूडेंट था मेरा, उसने शायद एक अर्ली वर्जन बना के दिखा दिया था उस हैकाथॉन में, एंड गेस व्हाट, दे वर लाइक सेकंड। उस हैकाथॉन में वो सेकंड आए थे और उनको एक इंटर्नशिप ऑफर भी मिल गया था। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको अगर आप दिखा पाओ अपने इंटरव्यूअर के सामने तो आई गेस आपको थोड़ी इज्जत मिल जाएगी। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज। प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताना कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया है और आप कौन सा प्रोजेक्ट ट्राई करोगे। ऑल्सो अगर आपको कोई और आइडिया पता हो एनएलपी प्रोजेक्ट के ऊपर, वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, सो दैट बाकी लोगों को भी पता चले। ठीक है, एज ऑलवेज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। इस तरह के और वीडियोज़ मैं हर हफ्ते लेके आऊँगा। And that's it from my side. Thanks for watching. Bye.